मतलब नहीं है। और यदि मानव जाति उसकी गणना करना चाहे तो यह कठिन नहीं नहीं वरन असंभव है। इसी कारण अल्लाह ने पवित्र ग्रंथ कुरान में फरमाया माता पिता जैसे नेमत प्रदान की अल्लाह संपूर्ण सृष्टि का पालनहार है, उसी ने समस्त संसार को पैदा करने का मानव जाति को अस्तित्व में लाने का कारण माता पिता को सर्वोपरि बनाया, जिन्होंने हमारे पालन पोषण और परीक्षा के लिए दुखों को पर अल्लाह तथा उनके अंतिम सदिशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इन्हीं गुणों को देखते हुए माता पिता के सेवा करने का आदेश दिया। उनके आवाज देरों का इनकी रोशना करते हुए अल्लाह ने पवित्र किताब कुरान में फरमाया तेरे पालन हाथ ने आदेश दिया कि मेरे अतिरिक्त किसी की पूजा ना करो और माता पिता के साथ सद्य व्यवहार करो। यदि इनमें से एक या दोनों हमारे उपस्थिति के बुढ़ापे में पहुंच जाए तथा दूसरा स्थान पर उसकी सेवा का आदेश देते हुए फरमाया की मौत न करो, उसके साथ पति को साजिदा बनाओ और माता पिता के साथ सत्य व्यवहार करो तथा एक स्थान पर फरमाया कुरान हदीस का अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि जहाँ अल्लाह का पूजा करने का आदेश दिया गया है और शिर्क से रोका गया है उसके तुरंत बाद माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने का बार बार नसीहत की गई है। अल्लाह ने माता पिता के सेवा का आदेश हमसे पहले ने लोगों ने भी अनिवार्य किया, जैसा अल्लाह ने फरमाया हमने बनी इस्राएल से वचन दिया है कि अल्लाह की उपासना करो तथा उसके साथ किसी को साजिदा बनाओ और माता पिता के संग सत्य व्यवहार करो और माता पिता के संग सत्य व्यवहार करो। इन आयतों से हमें ज्ञात होता है कि माता पिता हर हाल में इस बात से पत्र रख के उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसका सम्मान एवं उनसे प्रेम किया जाए, उनकी अधिक से अधिक खिदमत की जाए। परंतु आज के समाज के नौजवान जिनके माता पिता बचपन से पालन पोषण करते थे, जिनके नौजवान लेने के लिए हर समय तैयार रहते थे, बड़ी माता पिता की बातों का ना ध्यान है, उसका सम्मान किया जाता है तथा उनके खिलाफ नए नए प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ नौजवानों से, क्या तुम भूल गए माता पिता के बलिदानों को, उसकी समस्याओं को? जब खाने पीने उठने बैठने की शक्ति नहीं रखते तब समय नहीं माता पिता तुम्हारे सहारा बनते। आज आप बूढ़े तथा बेसहारा हो गए हैं तो उनको सेवा करने का स्थान सड़क देते हो। अब भी वक्त है आओ खुदा को पुकार लो, अब भी वक्त है आओ खुदा को पुकार लो, सूरज हमारे अभी सर के पास में है। अब अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि हम सबको माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की क्षमता प्रदान करें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।